प्रदेश के महोबा जनपद में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाहिता के साथ दो दिन पूर्व की जाने वाली गैंगरेप की घटना से महोबा फिर दहल उठा। थाना क्षेत्र के पुलिस पर मामले को रफा दफा करने के आरोप लगाते हुए पीड़िता ने एसपी महोबा की चौखट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। मामला कुलपहाड़ कोतवाली के स्थानीय इलाके का है, जहां रहने वाली एक विवाहिता ने आज एसपी महोबा से मिलकर गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। युवती का आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने के दौरान चार स्थानीय व्यक्तियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दो दिन पूर्व थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही की गई है और ना ही उन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने थाना क्षेत्र की पुलिस पर हीला हवाली के भी आरोप लगाए हैं। हम यहाँ आए हैं एसपी ऑफिस, हमारे साथ परसों 16 तारीख को हम अपनी दुकान में सामान लगा रहे थे 9:30 बजे करीब। काय की दुकान है? हमारी ब्यूटी पार्लर जनरल स्टोर की दुकान है। हम वहाँ सामान लगा रहे थे तो सामान लगा था, हम पीछे पीठ दिखाए गए, एकदम चार लोग आए और चार लोगों ने हमारे ऊपर सीधे हमें धक्का दिया, हमें गिरा दिया जमीन पे और सीधे बंदूक लगा दी कट्टा, और चारों लोगों ने हमारे साथ फिर दुष्कर्म किया बारी बारी से, एक बारी बारी से किया, हमारे साथ गलत किया और एकदम धमकी देके चले गए कि अगर आपने कहीं भी रिपोर्ट की, कहीं भी शिकायत की तो हम आपको, आपके बच्चों को जान से मार देंगे। उसके बाद फिर हमने तुरंत ही उतने टाइम, हमने आधा घंटा हम रोते रहे, फिर हम सोचते रहे, फिर हमने लगाया सीधे 1076 और 1090 पे फ़ोन लगाया। उसके बाद हमने 1090 पे फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास पुलिस पहुँच रही है। उसके बाद हमने डीजीपी साहब को फ़ोन लगाया, डीआईजी साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी कहा हम आपके पास पुलिस पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास थाने की पुलिस आई और बेलाताल चौकी के इंचार्ज साहब आए, वो हमें ले गए और बस हमारे घर छोड़ दिए, बोले सुबह आप तहरीर दे देना। हम कल सुबह पहुंचे सर के पास तो वो हमें फिर दबाव देने लगे कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आप अपनी वापस ले लो, नहीं तो आपके पति को और आपके भाई को भी वो लोग फंसा देंगे और हमें उनकी लिखनी पड़ेगी, अगर आपने लिखवाई तो वो भी आपके पति और भाई को रेप लगा देंगे। स्थानीय पुलिस क्या कह रही है? राजीनामा? हाँ, वो कह रही है आप राजीनामा कर लो। कौन कह रही है? ये कोतवाल साहब कह रहे हैं, नहीं तो आपके पति और आपके भाई को भी रेप में के मुकदमे में फंसा देंगे। मेरी लड़की पार्लर की दुकान की है, पार्लर की सामान आया था बाहर से, वो लगा रही थी, उसके बाद मारे रात में लगा रही थी, रात में फिर 3-4 लोग घुस करके उसको गले, उसके साथ गलत किया। इसके बाद उसके ने FIR की, पुलिस के फोन किया, पुलिस पहुंची, पुलिस लेके आई, पुलिस के फिर FIR की, FIR नहीं लिखी जा रही, कह रहे हैं दबाव डाल रही मेरी लड़की के ऊपर कि अगर तेरे तूने ऐसा FIR लिखवाई दबाव डाल या झूठा तो तेरे भाई के, तेरे पति के, तेरे बाप के ऊपर हम झूठा मुकदमा लगा देंगे। क्या क्या कह रही है स्थानीय पुलिस, कोतवाल पुलिस क्या कह रही है? वो दबाव डाल रही है कि ये नहीं कराओ, ये नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे, राजीनामा चाहिए। हाँ, क्या कह रही है? राजीनामा बनाओ। हाँ, राजीनामा बनाओ, नहीं तो हम झूठा ये तुम्हारे पति के, भाई के, बाप के ऊपर तेरा झूठा मुकदमा लगा देंगे।